भारत में हर साल लगभग 1000 बार भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें से कुछ अधिक तीव्रता के होते हैं, कुछ कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन एक आकलन के अनुसार लगभग 200 से 250 झटके ऐसे होते हैं जो लोग महसूस करते हैं। भारत का 59% जो इलाका है वो हाई रिस्क जोन में आता है, जिसमें हिमालय के जो इलाके हैं वो आते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। गिरती हुई इमारतों के साथ धूल का जो गुबार उठा वो चिंता के बादल में बदल गया और चिंता सवालों और आशंकाओं में बदल गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश, जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, वो भूकंप को लेकर कितना तैयार है। सरकार के अनुसार भारत का लगभग 59% क्षेत्र भूकंप के हिसाब से बेहद संवेदनशील है। भारत में भूकंप आशंकित क्षेत्र को सरकार ने 4 जोन्स में बांटा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहर और कस्बे जोन 5 में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप का खतरा है। दिल्ली NCR जोन 4 में है, जो खतरे के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, ये जो जितना भी रेड एरिया है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ बिहार और ज्यादातर हिस्से हैं उत्तराखंड के, कुछ हिमाचल प्रदेश, कुछ J&K और कच्छ रीजन, ये सब जोन 5 है, जो कि मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। दूसरे नंबर पे जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये तो ऑरेंज और रेड मिला के आपका हिमालयन पूरा रीजन जो है, हिमालय उसी में आता है। ऑरेंज पूरा दिल्ली का एरिया भी आ जाता है। बिल्कुल, दिल्ली भी जोन 4 में है और इस एरिया में हमेशा आशंका बनी रहती है अर्थक्वेक्स की। जोन 2 वो क्षेत्र है जिसमें सबसे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, जबकि जोन 5 वो क्षेत्र होता है जहां सबसे तीव्र भूकंप का खतरा रहता है। भारत का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड, नेपाल से लगने वाला इलाका, बिहार का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात में कच्छ का रण वाला हिस्सा, अंडमान और निकोबार, ये वो क्षेत्र हैं जो जोन 5 में आते हैं। इसके बाद देश का 18% हिस्सा जोन 4 में है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्से, लद्दाख, दिल्ली NCR, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, बिहार और बंगाल में सुंदरबन के आसपास का क्षेत्र, गुजरात के रण ऑफ कच्छ के बाद का बाकी इलाका, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास वाले क्षेत्र को जोन 4 में रखा गया। जोन 5 के बाद भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा इसी क्षेत्र में है। दिल्ली NCR के हिस्से में यमुना नदी के पास वाले इलाके में सबसे अधिक खतरा बताया गया। देश के सबसे ज्यादा राज्य जोन 3 में आते हैं, जिसमें पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा का शेष इलाका, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा, बंगाल और झारखंड का शेष इलाका, मध्य प्रदेश का बाकी हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र का शेष भाग, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ इलाका, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, ये क्षेत्र जोन 3 में आते हैं। इसे भूकंप के हिसाब से औसत खतरे वाला इलाका बताया गया। इसके बाद आता है जोन 2, जिसमें इन राज्यों के इलाकों के अलावा शेष क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें भूकंप का खतरा औसत से कम माना गया। हमारे ट्रिपल जंक्शन के पास छोटा छोटा अर्थक्वेक लगातार हो रहे हैं, तो वहां पर जो स्ट्रेस एक्युमुलेट हो रहा है वो रिलीज भी हो रहा है। अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नेचर है सब। हमारा भारत का रिलीजिंग जो है, जो छोटा छोटा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो रहा है, 4, 3.5, 3.3, आप देखेंगे तो ट्रिपल जंक्शन काफी अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हो चुका है। आप कॉमन भाषा में यही कहते हैं ना कि अर्थक्वेक इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। तो यदि यहाँ पर जितना मासिव आपका ब्लॉकेट होगा, जितना मासिव आपकी जो एस्पेरिटी होगी, जो हेट्रोजिनिटी होगी मटेरियल का, वो जितना टूटेगा तो बहुत बड़ा अटैक होगा, बहुत बड़ा जो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन
इंडिया के में छोटा छोटा अर्थक्वेक होके रिलीज हो रहा है, तो इसलिए होने की संभावनाएं कम है। सबसे अधिक खतरा हिमालय के पहाड़ी इलाकों को है। सीस्मोलॉजिस्ट के अनुसार ये इलाका पिछले 700 से अधिक सालों से टेक्टोनिक प्लेट्स के तनाव वाला इलाका रहा है। टेक्टोनिक तनाव की वजह से इस इलाके में हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टेक्टोनिक तनाव अभी और 200 वर्षों तक जारी रह सकता है।